फिर से एक बार आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको फैंटास और फैंटास एक्सपी बॉल्स के बारे में बताने वाले हैं। तो ये दोनों ही बॉल्स डीवर्मिंग के बॉल्स हैं। पशुओं में डीवर्मिंग करने के लिए इन बॉल्स का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बताएंगे दोनों ही बॉल्स के बारे में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, बीच में मत छोड़िए, एंड तक देखिए। तो यह है फैंटास 3 बॉल्स, 3 ग्राम की बॉल्स आती है, और इसमें जो साल्ट है वह है फेनमेंडाजोल, और यह है फैंटास एक्सपी। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि फैंटास 3 जो बॉल्स है, यह बॉल्स आपके पशुओं में डिवर्मिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो साल्ट है फेनमेंडाजोल का उपयोग पशुओं के इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो भी वर्म्स होते हैं, जैसे कि राउंड वर्म हो, वेप वर्म हो, हुक वर्म हो, टैप वर्म, इनको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें फैंटास 3 में आपको फेनमेंडाजोल जो है वो 3 ग्राम है, यानी कि ये जो बोलस है 3 ग्राम की बोलस है। 300 किलोग्राम के ऊपर के जो पशु है उनके लिए ये एक बोलस आप दे सकते हो। अब बात करेंगे फैंटास एक्सपी के बारे में। फैंटास एक्सपी और फैंटास दोनों एक ही कंपनी की बॉल्स है। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि फैंटास एक्सपी में जो डोज है और कॉम्बिनेशन है दोनों ही डबल है, यानी कि ये जो बॉल्स है डबल डोज डबल कॉम्बिनेशन के साथ आती है। इसमें फेमेंडाजोल 3 ग्राम है फैंटास 3 में, और इसमें फेनमेंडाजोल 4.5 ग्राम है, 4500 mg, यानी कि 4.5 ग्राम, और एवरमेक्टिन जो है वो 150 mg है। तो यह जो बॉल्स है, यह बॉल्स इंडोर एक्टो यानी कि पेट के अंदर के और बाहर के कीड़े, इन दोनों प्रकार के कीड़े मारने के लिए इस बॉल्स का उपयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमेंटिक बॉल्स है, दोनों ही अच्छी बॉल्स है, लेकिन इसमें जो डोसेज जो है वो बढ़ा दिया है। और इसकी MRP है 65 रुपये फैंटास की, और फैंटास एक्सपी की MRP है 90 रुपये। इसकी MRP ज़्यादा है क्योंकि ये बॉल्स इसमें डोज जो है वो डबल है और कॉम्बिनेशन भी इसमें डबल है। तो ये जो बॉल्स है फैंटास एक्सपी, इस बॉल्स को आप 400 और 500 केजी के ऊपर के जो पशु है, बड़े पशु, उनके लिए इस बॉल्स का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो बॉल्स है फैंटास और फैंटास एक्सपी स्केड्यूल एच ड्रग की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप इस बॉल्स को ले सकते हैं। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ये जो बॉल्स है आपको मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी। तो यह हो गई इसके बारे में पूरी जानकारी। अब मैं इसको पशुओं में देना कैसा है और उसके कुछ थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो बॉल्स है इनको आप आपके पशुओं में खाली पेट सुबह सुबह दे सकते हो, और इस बॉल्स को देने के बाद 2 घंटे के बाद आप आपके पशुओं को उसको खिला सकते हो। तो अगर साइड इफेक्ट देखें तो कॉमन है, यानी कि डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, शरीर में थोड़ी सुस्ती होना। हाँ, असल में ये देखने को मिलते हैं किसी भी डीवर्मिंग की दवा अगर आप पशुओं को देंगे तो ये जो साइड इफेक्ट्स है कॉमन वो देखने को मिलते हैं। तो ये थी फैंटास 3 और फैंटास एक्सपी के बारे में पूरी जानकारी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।